अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग्स। आज जो है मैं हमारे चैनल की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने लगी हूँ, जिसका आप सबको वेट था, विच इज़ हाउ आई डू माई ब्लो ड्राई। सो बहुत ही सिंपल है, बस आप मेरी तरह स्टेप्स फॉलो करते जाइएगा और हम वीडियो को इतना लंबा नहीं करेंगे और अभी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बस मैं इतना बोलूँगी कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि आप इतने लोग देखते हो, लेकिन इतने लोग अगर हमें सब्सक्राइब करेंगे ना तो हम पता नहीं कितने हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाएं। तो बस इस वीडियो को यहाँ स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ रात के 4 बजे बैठ के वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। इतने कमेंट्स आ रहे थे, मेरा कोई मूड नहीं था इससे पहले बनाने का, लेकिन आपका इतना कमेंट से मैंने कहा चलो बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको एक परफेक्ट ब्लोरा चाहिए तो उसके लिए पहले तो आपके पास एक ड्रायर होना लाजमी है। हमारे पास रेमिंगटन का ड्रायर है, जो कि हम पता नहीं कितने सालों से अब यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा आपके पास एक ऐसा वुड का ब्रश होना बहुत ज़रूरी है, यह आपके बालों को ब्लो ड्राई करने में बहुत हेल्प करता है। अगर मुझे ऐसे ब्रशेस दराज पे दिख गए तो मैं आपके लिए ना लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके अलावा जो आपको अगर अपने ब्लो ड्राई को स्टे करना है अच्छे से, वो स्टे करें 1-2 घंटा, तो आपके पास ऐसे रोलर्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें बिल्कुल इन चीज़ों का आइडिया नहीं था, हमें सब अपनी मम्मा ने बताया है। वो अपने टाइम में करती थी, वो हमें हर चीज़ सिखाती हैं, ये लेकर आओ वो लेकर आओ, तो ये सब हमने उनसे करना सीखा है। तो ये वाले मेरे पास 2 रोलर्स हैं, ये वाले एक्स्ट्रा लार्ज हैं और ये XXL हैं। अगर मुझे ऐसे भी दराज पे दिख गए तो मैं आपके लिए लिंक दे दूंगी, वरना आप अपनी लोकल मार्केट में जाएंगे, अगर आप कराची, लाहौर, लाड़काना किधर से भी हैं तो मेरे ख्याल से ये आपको मिल जाएंगे। ये हीटलेस है, ये आप पानी में लगाकर भी कर सकते हैं। वो हीटलेस वाले फिर वो दूसरा प्रोसेस है सारा, वो ब्लो ड्राई नहीं है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना पूरा ब्लो ड्राई का प्रोसेस। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक ब्लो ड्राई, अच्छा ब्लो ड्राई करने के लिए। अभी मैं अपने बालों को 70% गीला करके आ गई हूँ, जैसे उनमें अच्छा सा ब्लो ड्राई हो जाए। और बस अभी मैं ऐसा करूँगी कि मैं पहले आगे के बाल करना प्रेफर करती हूँ, सिर्फ जो मेरा आगे का पार्ट होता है, वो इसलिए क्योंकि आगे के बाल जब ब्लो ड्राई हो जाते हैं ना तो फिर पीछे के मुझे ईजी लगते हैं करना, तो हम बाकी दूसरे पीछे कर लेते हैं। बहुत ही भूत लग रही हूँ मैं एक पोनी लूँगी ऐसे करके, मैं पोनी बना देती हूँ गीले ही बालों में, क्योंकि भाई मेरे तो बाल स्ट्रेट है, मुझे फिर भी नहीं होता। और एक अच्छी पोनी मिलती है स्प्रिंग वाली, जो कि काफ़ी लोगों को लगता है ब्रेसलेट है मेरा, लेकिन भाई वो मेरी पोनी है। मैं इसको अच्छे से पहले कॉम कर लूँगी। जनाब आप देखिएगा, ये मेरे पास ब्रश है, मैं पहले इसको ऐसे अटका कर, आप साइड से देखें, फिर मैं इसे इसको हल्का हल्का सा, इतना इतना सा मैं इसको करूँगी रोल। और दूसरी एक टिप, अगर आपको बालों में फ्रिज नहीं चाहिए ना तो आप अपवर्ड से करें, ऐसे करके करें ब्लो ड्राई, ऐसे करके ना करें, फिर आपके बालों में फ्रिज बिल्कुल नहीं आएगा। आप ऐसे ऐसे करेंगे ना, जब आप अपने ड्रायर को ऐसे ऐसे करेंगे ना तो आपके बाल सीधे भी होते जाएंगे और अच्छा सा ब्लो ड्राई भी होता जाएगा आपका। अभी आपने ऐसा करना है कि आप 30 सेकंड्स इस साइड से पकड़ेंगे अपना ड्रायर, 30 सेकंड्स इस साइड से, 30 सेकंड इस साइड से, आपका पहले तो अच्छा सा ऐसे नीचे वाला ये हो जाएगा, देन आप आगे करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, अगर तो आपके पास टाइम है तो आप अपने बालों को थोड़ी देर अपने हाथों में ऐसे करके छोड़िए। अगर आपको कहीं जल्दी जाना है तो इसमें जो होता है ना ड्रायर्स में एक कोल्ड मोड भी उठता है, तो आप, मैं अभी कोल्ड मोड चलाऊंगी और उससे मैं अपने बालों को ठंडा करूँगी, जैसे मेरे ब्लो ड्राई स्टे करें। अभी जो है मुझे 2 मिनट हो गए हैं और अब मैं आपको दिखाऊँगी, ये वाला ब्रश जो है ना अटकता नहीं है बालों में, ये देखें, मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी अपने रिजल्ट। और आपका, आपको सिर्फ अपना ये वाला जो कर्ल है ना, बड़ा वाला इधर यूज करना है और इसको आउटवर्ड करके अपने बालों को सिर्फ कर्व देने जाना है, जैसे फिर आपके बालों में वॉल्यूम आ जाएगा, जैसे आगे से बम्प हट जाता है। मेरी तरह जो लोग टकले हैं ना आधे, उनके लिए ब्लो ड्राई बहुत ज़रूरी है, अच्छा सा उनको आना। आगे से मेरा हो गया है
मैं क्या करती हूँ, हमेशा मैं सारे बाल साथ नहीं खोलती, मुझे जितना जितना करना होता है मैं बस उतना ही करती हूँ। अभी मैंने इधर से भी इतना सा ले लिया है, इधर से भी मैंने इतना सा ले लिया है, ठीक है। बाकी मैं अपने पूरे बाल बंद कर दूंगी, मैं थोड़े थोड़े से बाल ले रही हूँ अपने, और टोटल मेरे ख्याल से 12-13 रोलर्स ही आपको ज़रूरत में आएंगे, बाकी बिल्कुल नहीं। नहीं तुम खाओ, थैंक यू। अंदर आइए बेचारी, मुझे खिलाने पानी पिलाना मुझे बस, तुम बाद में। अभी यहाँ पर मैं आउटवर्ड इनवर्ड गेम नहीं खेलूंगी, अब इधर मैं क्या करूंगी, अपने बालों के से ऊपर करके पहले इनको अच्छे से मैं बहुत कॉम कर लूंगी इस ब्रश से, उसके अलावा किसी से नहीं, और फिर ऐसे करके देन ऊपर से मैं इनको ऐसे बाहर की तरफ बंद करूंगी। अब मैं इस पर ड्रायर लगाऊंगी। अभी मैंने इसको आउटवर्ड थोड़ा करा, अब मुझे इनवर्ड अच्छे लगते हैं, तो बस मैंने थोड़ा सा इसको आउटवर्ड किया, अब मैं इसको इनवर्ट करके करूंगी। ऐसे सेम स्टेप आपको इधर भी करना है, पहले थोड़ा एंड्स को ड्राई करना है, आपके पास एक अच्छा ब्रश हो ना बस, फिर राइट साइड पे। अभी आप देखना ऐसे होते हैं ब्लो ड्राई। देन अब मैं बस लास्ट स्टेप करूंगी, इसको ऊपर रख के, आपको पता है अगर आप दो लोग होंगे ना आपके बालों में और वॉल्यूम आएगा, एक बंदा ब्रश से ऐसे ऐसे करता जाएगा, दूसरा ड्रायर पकड़ेगा। मैं खुद करती हूँ तो फिर मैं आपको वही बता रही हूँ जो आप खुद अकेले कर सको, किसी की जरूरत ना पड़े आपको। मैं आपको एक साइड बताऊंगी करके, दूसरा फिर मैं टाइम लैप्स चला दूंगी, आप उधर देखना। इसको अब मैं 2 मिनट छोड़ दूंगी, देन फिर आगे आपको दिखाऊंगी। ऐसे ही आप इसको लगा लोगे ना सेट हो जाएगा। अभी मेरे इस कर्ल को हो गए हैं 2 मिनट और मैं आपको दिखाती हूँ रिजल्ट्स 2 मिनट के बाद। और अभी मज़े की बातें तो आप लास्ट में देखोगे जब मैं ये कर्ल्स ये वाले ओपन करूँगी, लास्ट मज़ा तो तब आएगा वॉल्यूम का, आपको तब पता चलेगा कि असल ब्लो ड्राई में मेरे में वॉल्यूम आया क्या है, क्योंकि ब्लो ड्राई में सिर्फ आप बंद करती जा रही हूँ तो आपको पता नहीं चलेगा। आपने अपने ये वाले इन्वर्ट करने हैं और छोटे वाले रोलर्स इसको लगाने की ट्राई करें, अच्छे लगेंगे वो ज़्यादा। बस मैं ऐसे क्लिप लूँगी, ये मैंने दराज से लिए थे कोई 16 या 15 300 के, और बहुत अफोर्डेबल मिले थे। बाकी ये वाला साइड आपने देख लिया, अब मैं ये वाला साइड जो है टाइम लैप्स बना के करूँगी। मैं आधे बाल यहाँ पे ब्लो ड्राई करूँगी, आधे टाइम लैप्स में करूँगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी। आप मुझे देख रहे हैं, मैंने कोई टिंट कोई मेकअप नहीं किया, लेकिन अब मुझे गर्मी लग रही है और मैं लाल होती जा रही हूँ। अभी आप देखो, एक सेकंड ये पकड़ोगी ड्रायर। अभी आप देखो कि मैंने अपने बालों का अभी यहाँ से कोनी बना लिया है। अब यहाँ से मैं 2 सेक्शन में करूँगी, पहले एक में आपको ब्लो ड्राई करके दिखाऊंगी, एक में टाइम लैप्स में ब्लो ड्राई करूँगी। हम हमेशा ऑफ कैमरा करते हैं तो हमें मुश्किल नहीं लगता यहाँ पे बगैर देखे भी, तो मैं पानी पी लेती हूँ, देन आगे करते हैं। अभी आप देखना, मैंने ये 2 सेक्शंस, मैंने ये पार्टिंग बना ली है अपने बालों की। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से एक सेक्शन लेकर यहाँ कर दूँगी, और देन इस सेक्शन को, ये वाला पार्ट इजी है, इस सेक्शन को ऐसे करके अपने ब्रश में अटका कर, देन मैं ऐसे करके उसको ड्राई कर दूँगी। फिर मैं ये वाला ब्रश, ये वाली साइज़ का ब्रश मैं इन दोनों साइड पर लगाऊँगी। अभी मैं टर्न होकर यहाँ पर ही आ गई, इधर ही मुँह कर दिया मैंने। मैंने एक वीडियो में देखा था, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे वीडियो भेजी थी, वो ब्लो ड्राई करना सिखा रहे थे, तो उन्होंने कहा था जब तक आपके हाथ दर्द ना कर जाए ना ब्लो ड्राई करते करते, तब तक आपका परफेक्ट ब्लो ड्राई नहीं होगा। और ये सच है, जब तक आपके हाथ दर्द ना कर जाए ना ब्लो ड्राई करते करते, तब तक आपका परफेक्ट ब्लो ड्राई हो ही नहीं सकता। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखें ऐसे हो जाते हैं बाल हमारे। देन मैं इसमें ये वाला अपना लगाऊंगी कर्लर, मुझे बहुत जरूरी है, लेकिन इतना
तो ये वाला पार्ट अब मैं टाइम लैप्स पे करूँगी, देन हमारे बालों के फिर चार ही कर्ल्स आएंगे इनमें, 1 2 3 4। सॉरी आपको ना थोड़ा एंगल्स में डिफरेंस नज़र आएगा क्योंकि मुझे बार बार क्लिप बंद करनी पड़ रही है, खोलनी पड़ रही है, क्योंकि मैं ब्लॉग भी करते हैं हम लोग इसी फ़ोन से, तो यहाँ पे फुल मेमोरी फुल हो जाती है, मैं इतनी मेहनत करूँ और पता चले कि ब्लॉग ही नहीं बना। सो मैंने अपना ये साइड सारा ब्लो ड्राई कर लिया है, तो अभी मैं अपने ये वाले साइड ब्लो ड्राई करूँगी। अब मैं इसके दो सेक्शंस बनाऊँगी, ये अब मैं बंद नहीं करूँगी। मैं आपको एक टिप ज़रूर दूँगी, कुछ लोग जो होते हैं ना वो ऐसे करके ब्रश को पकड़ के बस ऐसे करके ब्लो ड्राई कर देते हैं अपने बाल, ऐसे 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 बंद करके। नहीं, ऐसे नहीं करना, अपने ब्रश को हमेशा ऐसे पकड़ा करें सीधा। इससे क्या होगा कि आपको फुल ऑन प्रॉपर वॉल्यूम भी आएगा और आपका ब्लो ड्राई इफेक्ट भी आएगा। कुछ बाल इधर जाएंगे इस साइड, कुछ इधर आएंगे, ऐसे ब्लो ड्राई इफेक्ट आएगा। वरना ऐसे क्या होगा, सिर्फ ऐसे बाल हो जाएंगे, सी बन जाएगा सिर्फ। तो मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता, जिनको अच्छा लगता है वो फिर ऐसे ब्रश को पकड़े। अगर आपको मेरा जैसा ब्लो ड्राई चाहिए तो फिर आप मेरी टिप्स फॉलो करें। अब मैंने अपने ब्रश को ऐसे पकड़ लिया है और बस इसको मैं अभी ड्रायर लगाऊंगी। जब मैं अपने ब्रश को सीधा पकड़ रही हूँ ना, तो इसका मैं ऐसे कर रही हूँ, अपना इसका जो माउथ है ना कह सकते हैं ब्लो ड्राई और ड्रायर का, उसको मैं ऐसे रख रही हूँ ऐसे करके। और जब मैं इसको पीछे की तरफ ले जा रही हूँ ना, ऐसे पीछे की तरफ, तो फिर मैं इसको इसके माउथ को ऐसे कर रही हूँ। तो आपको अब डिफरेंस नज़र आएगा, ऐसे करने से ना ये आराम से ऐसे ऐसे हो जाता है और फ्रिज भी नहीं आता बालों में। मेरी फ़ोन की मेमोरी हो गई है एक्सट्रीमली फुल, तो बस फ़ौरन से अपना ये लास्ट वाला ब्लो ड्राई करते हैं, देन मैं आपको 1 आवर बाद मिलूँगी, मतलब समझे सुबह के 6 बजे। इतनी लेट हो गई है मुझे सिर्फ ये वीडियो बनाने के चक्कर में। ब्लो ड्राई मेरा हो गया है डन और अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30। रोज़ा मैंने रख लिया है, मैंने सिर्फ आज पानी पिया है सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के चक्कर में। खैर, तो अभी मैंने ब्लो ड्राई कर लिया, लास्ट में अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो के हैं कि आप इनको अगर 5-6 घंटे छोड़ देंगे ना भाई, ये 2-3 दिन ब्लो ड्राई पे स्टे करेंगे। उनका उन पर जिनके बाल वेवी हैं मेरी तरह, जिनके स्ट्रेट हैं, उनके भाई आप सोओगे ना आपके बाल ख़राब हो जाएंगे। मैं इतना बता दूँ, आप अगर ब्लो ड्राई करके सो जाओगे ना रात को, सुबह को आपने आपके बाल सीधे सीधे हो जाएंगे। तो मैं इनको प्रेफर करती हूँ पूरी रात रखना, बहुत मुश्किल होती है, नींद नहीं आती है, लेकिन अगर बाल को स्टे करना है तो फिर रखना पड़ेगा। मुझे कहीं जाना नहीं है, इस वजह से मैंने इतनी मेहनत की सिर्फ वीडियो के लिए। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद, मतलब कह सकते हैं 6 बजे, आपको अपनी वीडियो का आफ्टर लुक दिखाऊंगी अपने बालों का कि ये कैसे लग रहे हैं ऑलमोस्ट 45 मिनट्स बाद, इनमें कितना वॉल्यूम आया। जितना टाइम आप ज़्यादा रखोगे उतना वॉल्यूम आएगा आपके बालों में। सो गाइस, अभी हो रहे हैं सुबह के 6, मैं आपको दिखा देती हूँ, 6:03 हो रहे हैं और मैं थोड़ा सा रेडी नहीं, बहुत ज़्यादा रेडी होकर आ गई हूँ। और मैंने सोचा कि मैं अब अपने कर्ल्स जो हैं उनको अनरोल करती हूँ, जो कि मैं ऑफ कैमरा करने लगी हूँ बिकॉज़ आई एम सो टायर्ड। और ये जो मैं रोल्स अनरोल कर रही हूँ वो आप देखेंगे हमारे इंस्टाग्राम पर, तो आप हमें वहाँ अगर फॉलो नहीं करते तो वहाँ जाकर हमें फॉलो करें, क्योंकि मैंने प्रोसेस तो यहाँ सारा बता दिया है। बाकी आप जो है मैं अनरोल जो सारे कर रही हूँ वो आप वीडियो जाकर देखेंगे इंस्टाग्राम पर। सो अब मैं अनरोल करके आपसे मिलती हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। सो इतने इतने मैंने बाल अनरोल कर लिए हैं, मैंने कहा आप लोगों के साथ ना इंसाफी हो जाएगी, तो हमने अपना फ्रंट वाला जो रोल है वो मैं आपके सामने करूँगी। सो दिस इज़ हाउ माई ब्लो ड्राई इज़ लुकिंग, आपके सामने मैंने आज ब्लो ड्राई किया है एंड मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अभी मैंने देखा नहीं है अपने मिरर पर जाकर, लेकिन या दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग। अभी अनरोल वाली वीडियो मैं यहाँ पर हमारा चैनल का स्क्रीन शॉट लगा रही हूँ, वहाँ जाकर हमें फॉलो करें और वहाँ जाकर देखें कि मैंने कैसे अपने बालों को अनरोल किया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। और मुझे बहुत मज़ा आया आपके लिए ब्लो ड्राई वीडियो बनाने में। आई होप मैं कहीं जा रही होती तो मैं इतनी प्यारी लगती, लेकिन माई बैड लक मैं कहीं नहीं जा रही। सो कोई बात नहीं, दिस इज़ हाउ माई ब्लो ड्राई इज़ लुकिंग। मैं यहाँ पे आगे थोड़ी सी अपनी क्यूट सी वीडियो लगाऊंगी जहाँ आप देखें मेरे ब्लो ड्राई कैसे लग रहे हैं।